वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज मेजर खान शूट करने के लिए आए हैं सेट इन द सिटी, है ना, फुल फॉर्म में 2023 की पहला शूट। आप भी सोच रहे हो कि मतलब ऐसे ही क्यों बात कर रहा है, लेकिन ना एक जो एनर्जी और पावर होता है ना, आप लोगों ने बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए होंगे और मैं सही बताऊं, मैंने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाया। उसका रीज़न ये है कि पहले की जो आपने इतनी सारी चीज़ें सोची हुई हैं ना, पहले वो पूरा कर लो। और एक बहुत ही बड़ी चीज़, एक बहुत ही बड़ी चीज़ आपके सामने कुछ दिन में आने वाली है, जिसके अंदर प्रोफेसर खुद लगे हुए थे। प्रोफेसर ने अपना जी जान दिमाग सब कुछ लगा दिया उसके अंदर, और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है। और इस साल के अंदर ना प्रोफेसर खुद मेजर बन के आए हैं। खान का बार है, मेजर खान का। यहाँ सिर्फ लस्सी मिलेगी, छाछ मिलेगी, मलाई वाला दूध मिलेगा बस, क्योंकि ये सब ना सिर्फ शो पीस है, अपने कुछ नहीं, सब नकली है। यहाँ पर ये जो गन रखी है ना, ये भी नकली है। लेकिन इधर ना सेट की सबसे ब्यूटी वाली जो चीज़ है ना, इधर जो छोटी छोटी डिटेल के ऊपर जो इन्होंने काम किया हुआ है ना, वो बहुत सुपर है। और कभी भी जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं या स्टेज शूट करते हैं, तो शूटिंग में ना डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप बड़ा स्ट्रक्चर तो बन जाएगा आराम से, लेकिन जो डिटेल है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा इन्हेंस करके दिखाती है। तो डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी बार खाली बार है, खाली बार, ये कारोबार नहीं है, खाली बार। हाँ, तो मेरा शॉट हो गया है और अभी ना ये वीडियो शूट चल रहा है यहाँ पर, तो वीडियो और स्टिल्स दोनों का काम एकदम बराबरी पे चल रहा है। और गर्मी ना यहाँ पर ऐसी वाली हो रही है, यहाँ का ना सन बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है। मुझे पक्की उम्मीद है कि मैं कल तक काला हो जाऊँगा मतलब। और आज का व्लॉग ना मैं इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ ये अपडेट देना चाहता था, किसी बहुत अच्छी चीज़ के अंदर बिजी चल रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं बता दूंगा, या इस व्लॉग के ना एंड में मैं सोच रहा हूँ कि बता ही देता हूँ आप लोगों की इसमें मतलब क्या, मैं सस्पेंस खेलना है। अभी शांत होना पड़ेगा खाना खाने के लिए, तो लंच ब्रेक का वेट करेंगे, उसके बाद लोकेशन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गर्मी है, बस गर्मी, मतलब सुबह सुबह ना ऐसी वाली ठंड थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मनाली वनाली आ गए हो, लेकिन जैसे ही सन ऊपर आया और उसने जो जला रहा है ना, अभी ऐसे मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या, स्वैग नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आज मेजर खान है, आज मेजर खान अपने लुक में आया, तो वैसे नहीं होना चाहिए, है ना। और ब्रेक जो लिया है वो आपको जल्दी से नेक्स्ट मतलब एंड ऑफ द व्लॉग में मैं ज़रूर आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी चीज़ के लिए ब्रेक लिया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ना मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगा, बस शूटिंग कर लेते हैं फिर। अब तो काउबॉय वाले लोकेशन से हमारा काम हो गया ख़त्म और अभी हो गया लंच ब्रेक, लंच करेंगे और इसके बाद ना, इसके बाद का लोकेशन मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब वेनिस का लोकेशन है और क्या ही खूबसूरत लगता है यार। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ की जो धूप है वो एकदम कातिलाना है, दिख रहा होगा आपको अभी शक्ल के ऊपर टैन, बस ये कमाल है यहाँ का। कितना भी अच्छा मौसम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये ना थोड़ा सा हिल्स पर आ जाता है वेस्टर्न घाट के इधर, और ये आपको जला के ही मानेगा चाहे कितने भी कर लो। फिलहाल पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसके बाद जाते हैं वेनिस। ये ना वेनिस का सेट है और हमारा जो फर्स्ट हमने जो शूट स्टार्ट किया है ना, वो आज इसी वाले सेट से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि क्लाइंट को वेनिस वाला सेट बहुत पसंद था। और एक है जो वाइट कलर का सेट है, वो हम लोग इवनिंग में शूट करने वाले हैं। 2023 का ये फर्स्ट शूट है, क्योंकि उत्तरायण के वजह से ना 15 जनवरी तक
कोई भी शूट या कोई बड़े काम को नहीं करते हैं। और ये चीज़ मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चली है, इतने साल के एक्सपीरियंस से मुझे ये तो पता था कि जनवरी के 10 से 15 दिन तारीख तक कुछ मतलब शूट नहीं आते ज़्यादा बड़े, छोटा मोटा कुछ आगे तो आगे, लेकिन इस बार मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि एक्चुअल रीज़न क्या है उसका। तो ना ये जो शूट हो रहा है ये शर्ट के ब्रांड के लिए शूट हो रहा है, और जो फीमेल मॉडल है ना वो एक प्रॉप है, तो फीमेल मॉडल रेडी थी और मेरे को लगा कि यार फीमेल मॉडल को भी थोड़ा खुश कर देते, तो उसके कुछ ऐसे पिक्चर्स लिए हैं ये। 1 2 3 से अपना काम हो गया खत्म, अब जा रहे हैं हम लोग दूसरे लोकेशन पे। मतलब काम करने में जो मजा आता है ना म्यूजिक के साथ में, तो वेनिस के बाद हमने आके ये व्हाइट हाउस एक लोकेशन है, यहाँ पर आके हमने शूट किया और यहाँ पर का भी शूट हो गया है कंप्लीट। अभी का टाइम हो गया है 5, तो ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, हमें वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे ये वाला व्लॉग ना इस वाले शूट के ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, ये एक व्लॉग अपडेट था कि मैं कुछ काम में बिजी हूँ, और बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि वो कितना मतलब बहुत ही मस्त चीज़ होने वाली है, आप लोग खुश हो जाओगे देखकर। और जितने भी लोग प्री वेडिंग करना चाहते हैं ना इधर आ जाओ, सेट इन द सिटी गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। पेड प्रमोशन नहीं है ये, लव प्रमोशन बोलते हैं इसको, जब जो जगह आपको अच्छी लगे। एज अ क्रिएटिव पर्सन हर दूसरी क्रिएटिव चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने में मदद भी करनी चाहिए। ये ना एक पुरानी टेक्निक है, जब पुराने ज़माने में जब घड़ी नहीं होती थी ना तो लोग ऐसे टाइम देखते थे, जब आपके ना 5 या 6 उंगली से आपका अगर सन कवर हो रहा है पूरा, इसका मतलब कि आपके पास 1 से 1.25 घंटे हैं सनसेट होने के लिए। और जैसे जैसे सन डाउन होता जाएगा, जैसे जैसे फिंगर छोटी होती चली जाएंगी, आपकी छोटी छोटी फिंगर में आता रहेगा, तो बेसिकली इसका फंडा ये है कि एक फिंगर के अंदर अगर आपका सन कवर हो रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं सनसेट होने के लिए। अगर 2 उंगली आ गई तो 20 मिनट, 3 आ गई तो आधा घंटा, तो ऐसे ही प्लस प्लस करते रहो, तो 10 मिनट का एक फिंगर का सनसेट का एक फंडा होता है। और ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, आज के टाइम पे कम फोटोग्राफर्स को पता है जो बिगनर्स हैं, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है, क्योंकि अभी सब कुछ घड़ी पे आता है, हम लोग पहले से ही देख सकते हैं कि सनसेट कितनी देर में होने वाला है। तो ये पुरानी टेक्निक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है ये वाली टेक्निक से, मैं आज भी अपना पुराना मेथड, बिकॉज आई एम अ ओल्ड स्कूल गाय। और ये कितना सही लग रहा है यार, जापनीज ट्री बना रखा है पूरा, जापनीज एकदम वाइब दे रखा है प्री वेडिंग वालों के लिए ना। मैं यहाँ पर अभी देखा, मैंने एक प्री वेडिंग का शूट हो रहा है, मतलब प्रॉपर ना पूरी एक आर्मी लगी हुई है उनका शूट करने के लिए। आई थिंक 5 फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर की टीम थी और एक कपल को शूट कर रहे हैं, मतलब मेरे से रहा भी नहीं गया, मैंने आते आते उनको बोल दिया, मैंने कहा यार फुल आर्मी लगी हुई है यार तुम लोगों की तो शूट करने में, फुल पावर एकदम। के साथ ये शेयर करना चाहता था कि जो मेरा लास्ट आई थिंक 15-20-25 दिन ना जो मेरे गए हैं, बता नहीं सकता, फैमिली आई हुई है, आपको पता है फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड किया है ना मैंने, दिल से मतलब मेरे को खुशी है उस चीज़ की, क्योंकि उसी के लिए बुलाया था। और मैं एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। दूसरा कि एक नया स्टूडियो आने वाला है जिसकी तैयारी में मैं लगा हूँ इतने दिन से, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा पूरा, मतलब अंदर का प्रोफेसर क्रिएटिविटी सारी चीज़ें बाहर निकाल दिए, वो स्टूडियो बनाए और बहुत ही प्यारा सा स्टूडियो बनाए। आई थिंक और 4-5 दिन के अंदर वो भी रेडी हो जाएगा, उसका वीडियो आएगा, मतलब उसका जो भी जितने दिन की जर्नी है वो आपको दिखेगी एक ही वीडियो के अंदर, आपको पूरा दिखेगा स्टार्ट टू एंड जो हमने उसका मेकओवर किया है। और बड़ी जल्दी मिलूँगा, लेकिन वापस एटलीस्ट 4-5-6 दिन का तो या 1 हफ्ते का तो ब्रेक लूँगा, पता नहीं, हो सकता है कि व्लॉग आ भी जाए जल्दी से, लेकिन जो ये काम कर रहा हूँ ना वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा करना, उसको ख़त्म करना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि उससे नहीं अभी ज़्यादा भी डिटेल में बताना सही नहीं है ना। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, बस ऐसी आप लोगों की दुआएँ चाहिए, ऐसी
कमेंट कर दिया करो, प्यारे प्यारे से लाइक कर दिया करो, मिलते जल्दी साहब। अभी ना बहुत थकान हो गया, एक्चुअली भी नहीं खड़ा हो जा रहा, मतलब आज मेजर साहब थक गए, मैं तो थक गई। चलो पैकअप पैकअप पैकअप।